हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ विकास नैन, विकास सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2021-22 सेशन के लिए NMMS स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सरकार ने 2021-22 सेशन के लिए NMMS का जो प्रोस्पेक्ट है वो जारी कर दिया गया है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, NMMS एग्ज़ाम में जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में वर्तमान में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, और अगर उन्होंने 7वीं कक्षा उन्हीं विद्यालयों से पिछले सेशन में पास की है, और अगर उनके माता पिता की सभी साधनों से आय 1.5 लाख रुपये से कम है, तो वो बच्चा स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम है उसमें बैठ सकता है, और उसको 9वीं से 12वीं तक प्रत्येक साल जो स्कॉलरशिप है वो प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं, NMMS के लिए जो ऑनलाइन आवेदन भरना है वो 10 फरवरी 2022 से प्रारंभ हो जाएंगे, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 2 मार्च 2022 है, और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा NMMS की जो परीक्षा है वो 20 मार्च 2022 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। दोस्तों, प्रोस्पेक्ट में साथ में ये भी लिखा गया है कि इस पेपर में कुल 2 परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिसमें एक परीक्षा को हम बोलते हैं मैट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण, जो 90 मिनट की होगी। अधिकतम अंक इसमें 90 होंगे और कम से कम इसमें 36 अंक लेना अनिवार्य है। उसी प्रकार जो दूसरी परीक्षा है वो होगी बौद्धिक योग्यता परीक्षण, ये भी 90 मिनट की होगी। इसमें भी अधिकतम अंक 90 होंगे और कम से कम 36 अंक लेना इसमें जरूरी है। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अशक्त विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य जो अंक है वो 29 है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें, इसमें साथ में ये भी लिखा है कि राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठने हेतु विद्यार्थी राज्य के सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हो, और उन्होंने 7वीं कक्षा की परीक्षा इन्हीं विद्यालयों से पिछले सेशन में पास की हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, माता पिता के कुल वार्षिक आय सभी साधनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मुख्य कंडीशन है NMMS की परीक्षा में बैठने के लिए। साथ में ये भी लिखा है, विद्यार्थी इस परीक्षा में केवल एक बार ही बैठ सकता है, और इस परीक्षा के लिए कोई भी शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा। 8वीं कक्षा का अनुत्तीर्ण विद्यार्थी इस परीक्षा में नहीं बैठ सकता। तो दोस्तों, ये NMMS के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। साथ में प्रोस्पेक्ट में ये भी लिखा है, प्रार्थी द्वारा आवेदन जो है ऑनलाइन ही भरा जाएगा। जो वेबसाइट SCERTHARYANA.GOV IN और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.BSEH.ORG.IN पर जो परीक्षार्थी है अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें साथ में ये भी लिखा गया है, यदि विद्यार्थी NMMS की परीक्षा की मेरिट लिस्ट में आता है तो उसे छात्रवृत्ति तभी दी जाएगी जब वह अपने माता पिता की कुल आय का प्रमाण पत्र या तो SDM से या तहसीलदार से सत्यापित करवाकर अपने जिले के जिला समन्वयक कार्यालय व जिला शिक्षा अधिकारी को दे देगा। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र अपनी जाति का प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा बनवाकर उसकी सत्यापित फोटो प्रति भी आवेदन पत्र के साथ स्कैन करके अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी टर्म कंडीशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो भी बच्चे इस परीक्षा को पास करेंगे NSP पोर्टल उनके लिए जुलाई 2022 में खुल जाएगा। इस पोर्टल पर अपना विवरण विद्यार्थियों को अपलोड करना होगा, यानी दोस्तों जो बच्चे NMMS की परीक्षा में पास होंगे उनको 9वीं से 12वीं तक जो स्कॉलरशिप है वो प्रदान की जाएगी, और जुलाई 2022 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो लिंक है वो खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, या आपके परिवार में ऐसा कोई बच्चा है जो 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है और सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, और 7वीं कक्षा उसी विद्यालय से उसने पास की है, और सभी साधनों से मिलाकर उसके परिवार की जो आमदनी है वो 1.5 लाख रुपए से कम है, तो आप भी इस परीक्षा को दे सकते हैं जो कि 20 मार्च 2022 को होगी।
इसमें विद्यार्थी को 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कॉलरशिप है वो प्रदान की जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें विकास सर ऑफिशियल, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।